सोने के अंडों की बारिश। कई साल पहले जबलगढ़ नाम के गांव में कन्नालाल नाम का एक किसान रहता था। वो दिन भर अपने खेत में कड़ी परिश्रम करता था। कन्नालाल को अंडों से बहुत प्यार था। वो अपने घर पर हर रोज अंडों की सब्जी पकवाता था और खाता था। उसके घर पर भी हर रोज अंडे रहते थे। उसका अंडों से ये प्यार देखकर उसकी बीवी लक्ष्मी को कभी कभी गुस्सा भी आता था। वो कहती, आपको ये अंडे इतने क्यों पसंद है जी? रोज अंडे पकाते हुए थक गई हूँ मैं। लोगों को ज्यादा चिकन या मटन पसंद होता है, पर आप हो कि सिर्फ अंडे ही खाते हो। कन्नालाल बोलता, अरे मांस मछली रोज पकाना क्या संभव है? ऊपर से कितना महंगा भी है, अंडे तो सस्ते में मिल जाते हैं और पकाना भी कितना आसान है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो बता दो, मैं खुद ही ऑमलेट वगैरह बना लूंगा और खा लूंगा। पर अभी ये अंडों को कोसना तुम बंद ही कर दो। एक साल उनके प्रांत में भीषण अकाल पड़ा। सारे तालाब सूख गए थे, सारे पेड़ पौधे भी सूख गए थे। पानी नहीं था, फसलें नहीं उग रही थी, सारे लोग बहुत कष्ट में थे। पर कन्नालाल बोलता, छी, ये क्या अकाल पड़ गया? लोगों को खाने को सब्जियां नहीं मिल रही है और मुर्गियां और बकरियों को खा जा रहे, और बाजार में अंडे कम हो जा रहे। अंडों के बिना मुझे खाना हजम ही नहीं होता। पता नहीं बिना अंडों के और कितने दिन जीने पड़ेंगे मुझे। एक दिन कन्नालाल अपने खेत में काम कर रहा था, उसके हल में कुछ अटका। इससे हल बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था, तो उसने जमीन को हिला के देखा कि है क्या। तो जमीन में उसे एक सुनहरे रंग का घड़ा दिखा। उसने घड़े को निकालकर उसे गौर से देखने लगा, पर वो घड़ा उसके हाथ से छूट गया और वो जमीन पर गिरकर टूट गया। फिर उसमें से एक देवी प्रत्यक्ष हुई। हे मानव, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं एक श्राप की वजह से इस घड़े में कैद हो गई थी। तुम्हारी वजह से आज मैं श्राप मुक्त हुई हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तुम आसमान की तरफ देखकर जो भी मांगोगे उस वस्तु की बारिश होगी। धन्यवाद, कहकर वो गायब हो गई। कन्नालाल सोचा, अरे वाह, ये देवी कितनी अच्छी है। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, 4 महीने हो गए मैंने अंडे नहीं खाए। मुझे तो खाना ठीक से हजम भी नहीं हो रहा है। मैं जितने चाहूँ उतने अंडे मुझे मिलने चाहिए। बस आसमान में से अंडों की बारिश होने लगी और साथ साथ पूरे गांव में लोगों के सर पर अंडे गिरने लगे। उसके घर के सामने लक्ष्मी पानी निकाल रही थी, उस पर भी अंडे गिरने लगे। इससे सारे गांव वाले डर गए और इधर उधर भागने लगे। फिर लक्ष्मी भी डर के घर के अंदर चली गई। इसके बाद जो अंडे खेत में गिरे थे उन्हें समेटकर घर की तरफ चल पड़ा कन्नालाल। फिर उसने देखा गांव भर के अंडे पड़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो घर पहुंचा। फिर उसने बीवी को सारी बात बताई। आपके अंडों की पागलपन की तो हद है। कहीं कोई अंडे मांगता है? आपको पैसे, गहने या सोना मांगना चाहिए था। तो कन्नालाल बोला, तू सच कहती है, पैसे होंगे तो जितने चाहे उतने अंडे खरीद सकता हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे असली तमाशा। फिर आसमान की तरफ देखा और, देवी माँ, मुझे सोने के अंडे चाहिए, उसने कहा। बस आसमान में से सोने के अंडे की बारिश होने लगी और पूरी गांव में भी ऐसे ही बारिश होने लगी। फिर कन्नालाल और लक्ष्मी ने मिलकर जो सोने के अंडे घर के सामने पड़े थे उन्हें समेट लिया और सारे गांव वाले भी गिरे हुए सोने के अंडे समेटने लगे। दूसरे दिन कन्नालाल अपने सोने के अंडे लेकर एक सुनार के दुकान पहुंचा। उसे देखकर दुकानदार ने कहा, क्यों भाई, तुम भी सोने के अंडे ले आए क्या? मुझे भी बहुत सारे सोने के अंडे मिले हैं, तुम्हारे अंडे लेकर मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए। अरे सारे गांव वाले के पास सोने के अंडे भरे पड़े हुए हैं, इसलिए सोने का दाम भी कम हो गया है। अरे जाओ रे बाबा। घर पहुंचकर बीवी से कहा, मैंने बड़ी गलती कर दी। देवी ने जो वरदान दिया था उसे मैंने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए वो वरदान मेरा कोई काम ही नहीं आया। अरे जिस इलाके में अकाल पड़ा हो वहाँ अंडों से या सोने के अंडों से क्या मतलब है? मैं समझ गया, जब सबका भला होगा साथ साथ हमारा भी भला होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बारिश हो। बारिश गिरेगी तो इस इलाके का अकाल खत्म हो जाएगा, तब सबका भला होगा। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं, जब सबका भला होगा अपना भी भला होगा। फिर उसने कहा, बारिश करा दो ताकि तालाब भर जाए और सच्चे से अमल हो जाए। बस पूरी इलाके में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ धूम बारिश शुरू हो गई और कई दिनों तक ये बारिश बिना रुके चलती रही। फिर उस इलाके की तालाबें भर गई, पेड़ों पे पत्ते लगने लगे और धीरे धीरे इलाके का अकाल खत्म हो गया। फिर इसके बाद हरा भरा फसल उगा और इसके कारण पूरा इलाका खुशहाल हो गया। तो बच्चों, अगर हमारी सोच में स्वार्थ और खोट हो ये गलत बात है। सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सबकी भलाई हो, यही अच्छाई के लक्षण होते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी? चाय वाला
अंधेरी गांव में वीरा नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ को खाना पकाते हुए बड़े ध्यान से देखता था। वो खाना बनाने में अपनी माँ की सहायता भी करता था। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई, तब वीरा ने ही खाना पकाया। उसके पकाए हुए खाने को देखकर माँ बाप हैरान हो गए। माँ, कितना अच्छा बनाया है रे, यकीन ही नहीं होता कि इतना अच्छा खाना तुमने बनाया है। पिताजी, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने भी कभी इतना बढ़िया खाना नहीं बनाया। ये बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने चाय भी बनाना सीख लिया। वीरा बड़ा हुआ। एक दिन उनके घर मेहमान आए। उन सब के लिए उसने खुद चाय बनाकर ट्रे में लाकर दिया। उसे पीकर वे हैरान हो गए। उनमें एक, अरे बेटा, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने पहले कभी नहीं पिया। तुम यूं गांव में अपने घर में क्यों चाय बना रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते दुनिया तुम्हारी चाय का स्वाद ले? वीरा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ चाचा, आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। चाचा, मैं तुम्हें थोड़े पैसे देता हूँ, तुम शहर जाकर एक चाय की दुकान खोलो। जो भी तुम्हारा बनाया चाय पिएगा वो बार बार पीना चाहेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जिंदगी में खूब आगे जाओगे। ये कहकर उसने पैसे भी दिए। वीरा बस में शहर के लिए रवाना हुआ। वहां जाकर यहां वहां देखा। वहां एक चाय की दुकान थी। इतने बड़े शहर में खुद का धंधा चलाना इतना आसान नहीं है, पहले कहीं नौकरी में लगकर अनुभव प्राप्त करना होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर चाय की दुकान के पास आकर मालिक से, साहब, मेरा नाम वीरा है, मैं अंधेरी गांव का हूँ। लोग कहते हैं मैं चाय अच्छी बनाता हूँ, क्या आप मुझे चाय मास्टर की नौकरी देंगे? मालिक हंसकर, क्या चाय मास्टर? तुम चाय मास्टर बनने के लिए पहले कप धोने होंगे, उसके बाद टेबल साफ करना होगा, फिर चाय सप्लाई करना होगा, उसके बाद ही चाय मास्टर। मंजूर हो तो लग जाओ काम पे। वीरा मानकर नौकरी में लग गया। हर दिन कप धोता, टेबल साफ करता और चाय सप्लाई करता था। कुछ दिनों के बाद मालिक से, साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात बताता हूँ, आपका चाय बनाने का तरीका सही नहीं है। चाय मास्टर, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे चाय बनाना अब तुम सिखाओगे? वीरा, कृपा करके मेरी बात सुने, आप चाय में दूध की जगह दूध का पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं, चीनी और चाय पत्ती सही नहीं है, ऐसे करेंगे तो चाय का स्वाद कहाँ रहेगा? ऊपर से आप चाय को प्लास्टिक के कप में दे रहे हैं, वो सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए हमारे पास ज्यादा लोग नहीं आते हैं। चाय का दाम 10 की जगह 12 रुपए कर दें, पर चाय का स्वाद और गुणवत्ता बहुत जरूरी है, लोग भी यही देखते हैं, है ना? मालिक, क्यों रे, तुम मुझे धंधा करना सिखा रहे हो? तुम्हारे कहे अनुसार यदि मैं चाय बनाऊं और ज्यादा दाम में बेचूं तो कोई नहीं पिएगा, तब मुझे भीख मांगना पड़ेगा। तुमको ज्यादा छूट दिया, चुपचाप चले जाओ। तुम कहते थे ना कि तुम चाय बना लेते हो, तो तुम चाय की दुकान खोलकर वैसी चाय बनाओ, तब देखता हूँ कि तुम कितने दिन चलाते हो। वीरा ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। फिर उसने एक चाय की दुकान खोली। उसने चाय बनाना शुरू किया। उच्च किस्म की चाय पत्ती, दूध, चीनी और अदरक का चाय बनाने लगा। उसे कुल्हड़ में देने लगा। वो चाय पीकर लोग खुश हुए। एक आदमी, वाह, बहुत बढ़िया चाय है, कहाँ सीखा तुमने ऐसे चाय बनाना? इस तरह लोग आकर उसकी चाय पीने लगे। सामने वाले दुकानों पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। बहुत ही जल्द उसने काफी पैसे कमाया और चाचा से लिए पैसे भी उन्हें लौटा दिया। इसीलिए बच्चों, धंधे में ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी ना हो तो धंधे में ही नहीं, जीवन में भी सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। क्यों,